Hello everyone, this is Deepak Verma and I welcome you all to Education Leopard. दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक और मैं कहूँगा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं. जिस टॉपिक को मैं कहता हूँ कि जिस टॉपिक को फोर्थ क्लास से लेकर यानी कि एक चौथी कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा और ग्रेजुएशन तक यानी कि एक स्नातक जो डिग्री कर रहा है बच्चा, उस बच्चे को भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश के टेंसेस के बारे में, यानी कि काल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं काल. दोस्तों, कहा जाता है कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, किसी भी भाषा को सीखने के लिए, उसका पूर्णतः ज्ञान पाने के लिए उसके काल यानी कि उसके टेंसेस को जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेंसेस के बारे में कि टेंसेस असलियत में कितने प्रकार के हैं अगर हम इंग्लिश की स्पेसिफिकली बात करें. तो दोस्तों, टेंसेस तीन तरह के होते हैं. एक है प्रेजेंट, जिसको हम बोलते हैं वर्तमान, जो अभी चल रहा है. एक होता है पास्ट यानी कि भूतकाल, जो बीत चुका है. और एक होता है फ्यूचर यानी कि भविष्यकाल, जो आने वाला समय है. सो दोस्तों, इसी प्रकार जैसे टेंस की तीन प्रकारें हैं, वैसे इन तीन प्रकारों के अंदर सेंटेंसेस यानी कि वाक्यों की गणना की गई है. वाक्य कई अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जब टेंस सीखते हैं हम, तो चार ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनका ज्ञान होना हमें अति आवश्यक है अगर हमने बहुत अच्छे से टेंसेस का ज्ञान लेना है. तो सबसे पहले आते हैं सकारात्मक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव, और दूसरे होते हैं नकारात्मक यानी कि नेगेटिव सेंटेंस. फिर आते हैं प्रश्नवाचक, जिसको हम इंटरोगेटिव भी बोल देते हैं. फिर आते हैं नकारात्मक प्लस प्रश्नवाचक, यानी कि इन दोनों से मिलकर बनते हैं नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. सो दोस्तों, आज हम सभी टॉपिक्स के बारे में, जो ये बहुत ही पेचीदा टॉपिक हैं, बहुत ही आसान करके आज हम इनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं. प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा. सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में. अब दोस्तों, हमने समझना कुछ इस तरीके से है कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है. प्रेजेंट टेंस के बारे में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये होता है आज का समय यानी कि अभी का समय, वर्तमान का समय. और हर एक टेंस के, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, हर एक के आपने ये समझना है कि ये माँ है और इसके चार बच्चे हैं. प्रेजेंट यानी कि एक माँ है, इसके चार बच्चे हैं. चारों के नाम सेम हैं सभी टेंसेस के अंदर, यानी कि तीन माएँ, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये तीन अलग अलग माएँ हैं. और इन तीन माओं के पास चार चार बच्चे हैं जिनके नाम सेम हैं, जैसे कि सिंपल, जिसको हम इनडेफिनेट भी बोलते हैं. दूसरा आता है कॉन्टीन्यूस, या फिर हम प्रोग्रेसिव भी बोल देते हैं. तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. अब दोस्तों, इसे समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, ये दो प्रकार के होते हैं और ये दो चीज़ों से बनते भी हैं दोस्तों, यानी कि नाउन और प्रोनाउन. नाउन यानी कि जिस किसी का भी नाम आता है, चाहे वो किसी जगह का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी चीज़ का नाम हो, उसको हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं इंग्लिश में. और प्रोनाउन क्या होते हैं, जो हम नाउन की जगह पे अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं, यानी कि जैसे हम किसी का नाम ले रहे हैं, किसी लड़के का नाम है राज, तो बार बार मैंने उसके बारे में सेंटेंस लिखने हैं, यानी कि अलग अलग तरह के 10 सेंटेंस लिखने हैं, तो मैं हर बार लाइन में उसका नाम नहीं लिखूंगा. पहली लाइन में मैं लिखूंगा कि राज मेरा मित्र है, वह 10 साल का है या वह 15 साल का है, वह कौन सी कक्षा में पढ़ता है, उसके माता पिता ये करते हैं, उसके ये इंटरेस्ट हैं, ये हॉबीज़ हैं, ये रुचियां हैं. तो जो मैंने आगे यूज़ किया कि वह या उसके या फिर वे या फिर वो क्या करता है या क्या उसको पसंद है, तो ये सारे के सारे क्या थे, अल्टरनेटिव थे, यानी कि प्रोनाउंस थे. अब दोस्तों, जो प्रोनाउंस और नाउंस है, जब ये किसी सेंटेंस में यानी कि हिंदी में अगर हम समझे, किसी वाक्य के अंदर जब इनको डाला जाता है, तब ये क्या बन जाते हैं, सब्जेक्ट बन जाते हैं यानी कि कर्ता. अब दोस्तों, कर्ता होते हैं दो प्रकार के, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल. जैसा कि आप सामने स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मतलब अनेक. सो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा भी हुआ है ही, जैसे हम लड़के के लिए यूज़ करते हैं, शी हम लड़की के लिए यूज़ करते हैं, इट
यह निर्जीवित, यानी कि हम कहते हैं कि जो चीजें निर्जीवित हैं, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स, हम बचपन में भी पढ़ते होते थे कि इट हम यूज किसके लिए करते हैं, नॉन लिविंग चीज के लिए, लेकिन दोस्तों जानवरों के लिए भी यूज किया जाता है इसे, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें इंग्लिश टेंसेस के बारे में, या फिर कोई भी एक नाम, अगर ये सभी चीजें आती हैं तो ये सिंगुलर कहलाती हैं। आई यानी कि मैं, ये अलग से मैंने यहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि जो मैं यानी कि आई शब्द है ये किसी किसी टेंस में प्लूरल के साथ गिना जाता है, किसी किसी टेंस में आई यानी कि मैं सिंगुलर के साथ गिना जाता है। अब आई को इसीलिए मैंने अलग से रखा है। तो प्लूरल यानी कि अनेक, प्लूरल में कौन कौन आता है, तुम, हम, वे, दो या दो से ज्यादा लोग, यानी कि जब हम काफी सारे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तब हम प्लूरल की बात करते हैं। अब दोस्तों सिंपल के अंदर, कॉन्टिन्यूस के अंदर, या फिर परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर कुछ हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि सहायक क्रियाओं का यूज होता है। सहायक क्रियाएं क्या होती हैं, जो हमारे टेंस को पूर्णता पूरा करने के लिए हमारा साथ देती हैं, सेंटेंस को यानी कि एक वाक्य को पूरा करने में मदद करती हैं। जैसे यहाँ पे आपने दिखा हुआ देख सकते हैं आप, सिंपल यानी कि इनडेफिनेट के साथ अगर प्रेजेंट की बात हो रही है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, वैसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर इज, एम, आर ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, परफेक्ट के अंदर हैज और हैव होती हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर हैज बीन और हैव बीन होती हैं। तो दोस्तों ये तो थी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन, अब हम बात करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक संपूर्ण टेंस यानी कि एक कंप्लीट टेंस ये क्या होता है। सबसे पहले हमने समझना है, जैसा कि मैंने ये एक तरह से पहले ही सोचा हुआ था कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो मैंने प्योरली इंग्लिश में नहीं बनानी है, ये हिंदी में बनाऊंगा ताकि इसको मात्र तीसरी या चौथी कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा भी समझ सके, और जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं वो भी इसको समझ सकें, और ऑब्वियसली जो CBSE वाले बच्चे हैं यानी कि जो इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ने वाले हैं वो भी इसको बड़ी आसानी से समझ सकें। सो दोस्तों अगर हम हिंदी में किसी भी सेंटेंस का जो अंतिम पार्ट होता है यानी कि जो एंड वाले सेंटेंस होते हैं, जैसे कि मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ, ता हूँ, जैसे आपने अभी सुना मैंने कहा ता हूं, तो आप जैसे यहां पे कॉर्नर में देख रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के नीचे मैंने क्या लिखा है, ता है, ते है, ती है, ता हूं या ती हूं, यानी कि ये वो सेंटेंसेस हैं, जब भी कभी ये सेंटेंसेस बोले जाएंगे और उनका एंड यानी कि उनका जो अंतिम पार्ट है उसमें इन शब्दों की वर्णन दिया गया होगा तो वो क्या कहलाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के द्वारा किया जाने वाला काम क्या है, ये टेंस यूज क्यों किया जाता है, दोस्तों इस टेंस के जरिए बताई जाती हैं हमारी हैबिट्स और रूटीन्स, यानी कि हमारी रुचियां, या फिर हमारा, हम ये कह सकते हैं हमारी रुचियां, हमारे इंटरेस्ट और हमारी दिनचर्या के बारे में बात होती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस होते हैं चार प्रकार के, सबसे पहले आते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। अब अगर हमारा सब्जेक्ट यानी कि जो करता है अगर वो सिंगुलर है यानी कि एक है, तो उसमें क्या क्या था, ही, शी, इट और कोई भी एक नाम, अगर ये आते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस में हम उसके साथ यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि क्रिया की पहली इकाई, क्रिया की पहली इकाई को यूज करना होता है और उसके साथ एस या फिर ई एस को एंड में लगाना होता है वर्ब के साथ, यानी कि जो क्रिया है, क्रिया के जो जहां पे क्रिया खत्म हो रही है वहां पे एस और ई एस को जोड़ना होता है, यानी कि एक तरह से ये सफिक्स होता है, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे आर्टिकल्स भी आते हैं, यहाँ पे प्रपोजिशंस भी आती हैं, ठीक है। वैसे ही अब प्लूरल है, आप देख पा रहे हैं प्लूरल के आगे मैंने लिखा हुआ है यू, वी, दे, दो या दो से ज्यादा नाम हो सकते हैं, और यहां पे मैंने ऐड किया है आई और मैं को, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो की शुरुआत में ही कि आई कई कई टेंसेस के अंदर ये सिंगुलर के साथ आता है, कईयों में प्लूरल के साथ, तो यहां पर जो आई है यानी कि मैं है वो प्लूरल के साथ आता है, इसीलिए मैंने इसको इस कॉर्नर में लिखा है। तो जब भी कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट यू, वी, दे, दो या दो से ज्यादा नाम आए, या फिर मैं यानी कि खुद के बारे में बात हो रही है, तो हम वहां पे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं यानी कि
पहली इकाई लिखते हैं क्रिया की, क्रिया की पहली इकाई को लिखना है, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी के बाकी का सेंटेंस उसके पीछे आता है। अब आप सामने एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। राम पत्र लिखता है, राम राइट्स अ लेटर। मैं पत्र लिखता हूं, आई राइट अ लेटर। हम पत्र लिखते हैं, वी राइट लेटर, या फिर वी राइट अ लेटर, या फिर लेटर्स। ये मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है अ और लेटर्स, ये इसलिए लिखा है दोस्तों अगर पत्र काफी ज्यादा हैं, क्योंकि कोई भी भाषा हो, कोई भी भाषा हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो सेंस यानी कि हमारी समझ के ऊपर आधारित होती है। जैसे कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हमें हिंदी को समझने के लिए कोई ज्यादा बड़े ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम वो अपनी एक तरह से मातृभाषा यानी कि अपनी माँ से सीखते आए हैं, अपने रिश्तेदारों से सीखते आए हैं, और बचपन से हम उस लैंग्वेज को अपने अंदर एक्यूट कर चुके हैं, जिसको हम बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। जब लैंग्वेज एक्विजिशन होता है वो इतनी ज़बरदस्त चीज़ होती है कि हमें स्पेसिफिकली उस लैंग्वेज में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती कुछ सीखने के लिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई भी नेगेटिव सेंटेंस आता है और हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो यानी कि वही ही शी इट कोई भी एक नाम, तो उसके साथ क्या लग जाएगा? डज नॉट। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पहले क्या था, जब पॉजिटिव सेंटेंस था वहां पे हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ यानी कि क्रिया की पहली इकाई के साथ एस और ई एस को लगाया था, लेकिन यहाँ पर क्रिया की जो पहली इकाई है वो एकलौती है यानी कि उसके साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ। तो आप देख पा रहे होंगे जो मैंने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज किया है डू, उसके साथ मैंने ई एस लगा दिया है यानी कि वो बन गया है डज नॉट। तो दोस्तों जो वर्ब के साथ यानी कि क्रिया के साथ जो एस और ई एस आ रहा था अब वो किसके साथ चला गया? हेल्पिंग वर्ब के साथ यानी कि ही शी इट या कोई भी एक नाम, उसके साथ क्या लगेगा सेंटेंस में? डज नॉट लगेगा, और उसके बाद वर्ब की पहली इकाई आएगी यानी कि क्रिया की पहली इकाई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। प्लूरल में यू वी दे, दो नाम या दो से ज्यादा नाम, और अंतिम में मैं, यानी कि इनमें से कोई भी आता है तो हम क्या लगाएंगे? डू नॉट। जैसे कि आपने पहले भी देखा जहां हम पॉजिटिव सेंटेंस कर रहे थे तो प्लूरल के अंदर वर्ब अकेली थी, तो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू भी अकेला ही रहेगा। और नॉट किस लिए आया है? क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है जिसके अंदर नहीं का प्रयोग किया जाता है। सो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा डू नॉट, और उसके बाद आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि क्रिया की पहली इकाई और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब नीचे आप एग्जाम्पल में बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। राम पत्र नहीं लिखता है, राम डज नॉट राइट अ लेटर, राम अकेला है इसीलिए उसके साथ डज लगा है। मैं पत्र नहीं लिखता हूं, आई डू नॉट राइट अ लेटर। तुम पत्र नहीं लिखते हो, यू डू नॉट राइट अ लेटर, यानी कि यहाँ पे जो यू और आई है आप देख पा रहे हैं दूसरे और तीसरे वाक्य के अंदर, आई और यू ये दोनों कहाँ पे थे? ऊपर रूल में देखो जल्दी जल्दी, प्लूरल में, राइट? और प्लूरल में क्या आना चाहिए था? डू नॉट आना चाहिए था। सो इन दिस वे वी कैन इजिली डू इट। और दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर मैं और भी सेंटेंसेस आपको पीडीएफ के रूप में देने वाला हूं, तो आप इस वजह से आप क्या कर सकते हो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से क्लिक के ऊपर आप लिंक करोगे तो आपको बहुत सारी एग्जाम्पल्स ऐसी मिलेंगी जिससे आप अपनी टेंसेस के प्रति आपकी जो स्किल है स्पेसिफिकली अगर इंग्लिश लैंग्वेज की हम बात करें तो बहुत ज़्यादा आप उसको ब्रश अप कर सकते हो विद द पैसेज ऑफ टाइम। ग्रेजुअली रोज एक एक दो दो टेंस की प्रैक्टिस करें और रोज इसको नए से नया इसके अंदर सेंटेंस बनाते चले जाएं, और आप देखेंगे कि विद इन टू और थ्री वीक्स यानी कि एक दो हफ्ते के अंदर, दो तीन हफ्तों के अंदर आपकी जो स्किल है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो आपकी पकड़ है वो बहुत मजबूत होने लगेगी। तो दोस्तों तीसरे सेंटेंस की बात करते हैं, ये होते हैं इंटेरोगेटिव यानी के प्रश्नवाचक, जहां पे कुछ पूछा जाता है। अब एक रूल कहता है कि जब भी कभी इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है यानी कि प्रश्नवाचक आता है तो जिस टेंस में वो आ रहा है उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को हमें सबसे पहले लिखना होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे लिखा है डज, सिंगुलर के सामने लिखा हुआ है डज, उसके बाद आ गए उसके सब्जेक्ट यानी कि ही या फिर शी या फिर इट या फिर कोई भी एक नाम,
और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और बाकी का सेंटेंस, यानी कि वहाँ पे प्रेपोजिशन हो सकती है, आर्टिकल हो सकती है और आपका ऑब्जेक्ट तो आएगा ही। उसके बाद प्लूरल के अंदर मैंने लिखा है डू, क्योंकि प्लूरल के अंदर हमारा डज नहीं था हेल्पिंग वर्ब, क्या था? डू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डू। उसके बाद आ गया यू, वी, दे, दो नाम या फिर मैं, इनमें से कोई भी एक आएगा आपके सेंटेंस में, और उसके बाद आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और बाद में रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। नीचे लिखे गए एग्जाम्पल्स को आप बड़े ध्यान से देखिए। क्या राम पत्र लिखता है? क्या राम पत्र लिखता है? डज राम राइट अ लेटर? क्या मैं पत्र लिखता हूँ? डू आई राइट अ लेटर? क्या तुम पत्र लिखते हो? डू यू राइट अ लेटर? तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा इस कंसेप्ट को समझना कि जो ये डू और डज हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं, ये कैसे अपनी जगह को इंटरचेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, यानी कि नेचर ऑफ द सेंटेंस। वो पॉजिटिव था तो कुछ और था, वो नेगेटिव हुआ तो कुछ और बन गया, वो जब इंटेरोगेटिव हुआ तो कुछ और बन गया। अब चौथे पे आते हैं, यानी कि जो लास्ट पार्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, वो है नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक भी होगा और प्रश्नवाचक भी होगा। अब दोस्तों, एक तो है इसके अंदर ट्रेडिशनल रूल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सिंगुलर के सामने मैंने दो रूल लिखे हैं। एक के अंदर लिखा मैंने डजंट, उसके बाद सारे सब्जेक्ट आ गए, फिर आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। और दूसरे रूल में डज आ रहा है अकेला, और उसके बाद मैंने लिखा है ही, शी, इट, कोई भी एक नाम, प्लस नॉट। नॉट को आप देख पा रहे हो मैंने कैपिटल्स में लिखा है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि मैंने यहाँ पे दो रूल क्यों लिखे हैं। दोस्तों, जो नीचे वाला रूल आप देख रहे हैं, जो पतले वाले बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, जो थिन बॉक्स में लिखा हुआ है, उसका मतलब ये है कि ये ट्रेडिशनल तरीका था, हम आज तक इस तरीके से, यानी कि इस रूल से इस टेंस को करते आए हैं, बशर्ते आज हमारे पास नया रूल भी है, थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है, नया रूल नहीं कहूँगा, रूल तो वही है लेकिन थोड़ा सा उसको अपडेट किया गया है लिंग्विस्ट, जितने भी महान लिंग्विस्ट हुए हैं उनके द्वारा। उन्होंने क्या किया, डज सब्जेक्ट नॉट पहले होता था, अब उन्होंने डजंट कर दिया, यहाँ पे डजंट कर दिया, यानी कि उसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को यहाँ पे उन्होंने लगा दिया। तो आप यहाँ पे डजंट सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। अगर आप उसको नहीं यूज करना चाहते तो आप नीचे वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें डज पहले आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि क्रिया की पहली इकाई, और उसके बाद वाक्य का बचा हुआ हिस्सा। वैसे ही प्लूरल में होगा, अगर यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन को देखें तो वहां पे आएगा डोंट, फिर आएगा यू, वी, दे, दो नाम या दो से ज्यादा नाम, या फिर मैं यानी के आई। अगर इनमें से कोई भी आता है सेंटेंस के अंदर तो आप लिखेंगे डोंट सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि क्रिया की पहली इकाई, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। फिर जो ट्रेडिशनल तरीका है, नीचे मैंने वो लिखा है, डू सब्जेक्ट नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब दोस्तों, मैंने नीचे एग्जाम्पल दी है, जो एग्जाम्पल है वो मैंने ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से नहीं लिखी है, वो मैंने लिखी है जो इसका अपडेटेड वर्जन है उसके हिसाब से, यानी कि क्या राम पत्र नहीं लिखता है? क्या राम पत्र नहीं लिखता है? डजंट राम राइट अ लेटर? क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूँ? डोंट आई राइट अ लेटर? क्या तुम पत्र नहीं लिखते हो? डोंट यू राइट अ लेटर? तो यहाँ पे आप इसके जितने भी सेंटेंसेस आगे भी आपको मिलेंगे और पीडीएफ में तो बेशक मिलेंगे ही मिलेंगे, इनसे आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आपकी जो पकड़ है, मुझे विश्वास है कि अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, आपकी जो पकड़ है इस पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले टेंस की तरफ, जिसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब सिंपल हमने खत्म कर लिया है, यहाँ पे है कॉन्टिन्यूस वर्जन। अब कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है? कोई चीज कॉन्टिन्यूटी में चल रही है, यानी कि ये वो सेंटेंस या वो वाक्य या फिर वो काल होता है जिसके अंदर कोई भी बोले जाने वाला जो वाक्य है उसके अंदर जो एक्टिविटी हो रही है वो बोलते समय भी हो रही है। यानी कि अगर मैं अभी के लिए कहूं कि आई एम स्पीकिंग, तो मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर बोल रहा हूं।
दोस्तों इसकी पहचान देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं या रही हूं। ये हिंदी में जब भी बोले जाएंगे तो इनके एंड में यानी कि इनके अंतिम छोर पर इस तरह के शब्द हमें देखने को मिलेंगे। वर्क इज इन प्रोग्रेस व्हाइल द स्पीकर इज टॉकिंग, यानी कि जब स्पीकर बोल रहा है तो जिस काम के बारे में बोल रहा है वो अभी भी हो रहा है। सो पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस में दोस्तों जैसे कि हमने पहले वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि कॉन्टिन्यूस के अंदर हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम एंड आर। तो यहाँ पे सिंगुलर यानी कि ही, शी, इट और कोई भी एक नाम अगर इनमें से कोई भी सेंटेंस में आता है तो हम इसके साथ लगाते हैं इज, आई एस इज, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ लगता है आई एन जी। इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं जिसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी को मिक्स कर देते हैं। उसके बाद हमारा जो वाक्य बचा है वो आ जाता है। प्लूरल में आप देख पा रहे हो यू, वी, दे, दो नाम या दो से ज्यादा नाम, इनके साथ क्या लगेगा? आर लगेगा, ए आर ई आर, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी का मेल होता है। उसके बाद आ जाएगा हमारा वाक्य का बचा हुआ हिस्सा। अब रह गया है आई यानी के मैं। अब दोस्तों यहां पे आप देख पा रहे होगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई को हम प्लूरल सेंटेंसेस के साथ कवर कर रहे थे, यानी के जो प्लूरल सब्जेक्ट थे वहां पे ये बार बार आ रहा था। या लेकिन इस पर्टिकुलर इस सेंटेंस के अंदर या फिर मैं कहूं कि इस पूरे के पूरे टेंस के अंदर आई का जो हेल्पिंग वर्ब है वो अलग है, वो है एम, ए एम एम। तो आई के साथ आता है एम, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, उसके पीछे आई एन जी लगेगा और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब आप एग्जाम्पल में जल्दी से देख लीजिए, राम खाना खा रहा है, राम इज ईटिंग फूड, हम खाना खा रहे हैं, वी आर ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड। तो जैसा आप देख रहे हैं मैंने यहां पर जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन लिखी हुई है उसको अंडरलाइन भी किया है ताकि आपके लिए समझना और देखना दोनों बहुत आसान रहे और आप बड़े जल्दी से इसको एक तरह से कहते हैं ना कि मेमोरी से अनलॉक कर पाओ, बहुत जल्दी से इसको आप याद कर पाओ अपनी सबकॉन्शियस मेमोरी से। दोस्तों चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेंगे यानी कि ही, शी, इट या कोई भी एक नाम रहेगा तो इसके साथ क्या लग जाएगा? इज, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, आएगा ही आएगा, और नेगेटिव है तो इसके साथ लग जाएगा नॉट, तो इज नॉट आएगा। उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि क्रिया की पहली इकाई के साथ आई एन जी लगता है और बाकी का बचा हुआ सेंटेंस उसके बाद में आता है। वैसे ही प्लूरल में यू, वी, दे, दो नाम या दो से ज्यादा नाम अगर आ जाते हैं तो हम लिखते हैं आर नॉट, आर नॉट के बाद लगेगा वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी, यानी कि वो फॉलो करता है आई एन जी एक तरह से सफिक्स की तरह और उसके बाद आ जाता है वाक्य का बचा हुआ हिस्सा। आई यानी कि मैं, इसके साथ आता है आई एम नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉलोड बाय आई एन जी और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि वर्ब की जो पहली इकाई है उसके साथ आई एन जी लगेगा ही लगेगा जब भी कभी कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा। अब इसकी एग्जाम्पल जल्दी से देख लीजिए, राम खाना नहीं खा रहा है, राम इज नॉट ईटिंग फूड, हम खाना नहीं खा रहे हैं, वी आर नॉट ईटिंग फूड, मैं खाना नहीं खा रहा हूं, I am not eating food. So दोस्तों एग्जाम्पल से मैं समझ सकता हूं कि बहुत ही ज्यादा आसान होगा आप लोगों के लिए। अब हम जल्दी से चलते हैं इंटरोगेटिव यानी के प्रश्नवाचक। अब दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रश्नवाचक यानी कि जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं तो सबसे पहले क्या आ जाता है? उस टेंस का और उस सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आ जाता है। तो सिंगुलर में हम कौन से वाला हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे थे इस टेंस में? इज, तो इज आ जाएगा सबसे पहले। इज के साथ आपका सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ही, शी, इट या कोई भी एक नाम, अगर इनमें से कोई भी एक आता है आपके वाक्य में तो आपने इज आगे लगा देना है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर आ गया क्रिया, क्रिया की पहली इकाई उसको आई एन जी के साथ लगाना है हमने और बाकी का बचा हुआ वाक्य। वैसे ही प्लूरल के अंदर क्या था हेल्पिंग वर्ब? आर, और आर को हमने सबसे पहले लिख दिया
उसके बाद आ गया यू, वी, दे, दो या दो से ज्यादा नाम, इनमें से कोई भी एक आएगा आपको वाक्य में और आपके साथ ही आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉलोड बाय आईएनजी और बाकी का बचा हुआ वाक्य उसके पीछे आ जाएगा। मैं यानी कि आई के साथ अब क्या होगा, जो एम हेल्पिंग वर्ब था वो सबसे पहले आ जाएगा, एम प्लस आई, उसके बाद आ जाएगी क्रिया की पहली इकाई और उसके साथ ही आईएनजी और बाकी का बचा हुआ वाक्य। अब इसकी एग्जांपल देखिए, क्या वह खाना खा रहा है, इज ही ईटिंग फूड, क्या हम खाना खा रहे हैं, आर वी ईटिंग फूड, क्या मैं खाना खा रहा हूं, एम आई ईटिंग फूड, तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स आपके सामने हैं। दोस्तों इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जो है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि जो नकारात्मक भी रहते हैं और प्रश्नवाचक भी होते हैं। अब इसमें सिंगुलर यानी कि जब हमने देखा कि जब इंटरोगेटिव होता है तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो सबसे पहले आएगा ही आएगा, लेकिन ये नेगेटिव भी है। अब नॉट कहाँ जा रहा है, अब हमने उसके ऊपर ध्यान देना है। सिंगुलर के अंदर इज, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स आ गए और फिर आ गया नॉट, यानी कि आप अब समझ पा रहे होंगे कि मैंने जो पहले वाला तरीका आपको बताया था वो कैसा था और ये वाला कौन सा है। जल्दी जल्दी से सोचिए ये कौन से वाला है। यस, ये है ट्रेडिशनल वाला, जो ट्रेडिशनल रूल हम आज तक अप्लाई करते आए हैं, ये मैंने वही वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, इज उसके बाद कोई भी आपका सब्जेक्ट होगा और फिर आ जाएगा नॉट। इसको हम इजंट भी लिख सकते हैं अगर हमने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना है, लेकिन इज नॉट को एक साथ नहीं लिख सकते, ये इसके रूल के खिलाफ होगा। हम इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को यूज कर सकते हैं इजंट, राइट। तो यहाँ पर इज के बाद आ गया आपका सब्जेक्ट, फिर आ गया नॉट और जो क्रिया है यानी कि वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी फॉलोड बाय आईएनजी और बाकी का सेंटेंस। वैसे ही प्लूरल में आर पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गए आपके, यानी कि यू या फिर वी या फिर दे या फिर कोई भी दो या दो से ज़्यादा नाम, और उसके साथ लग जाएगा नॉट, फिर आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉलोड बाय आईएनजी एंड बाकी का बचा हुआ सेंटेंस। और अंतिम में मैं यानी कि आई, इसके सामने क्या आएगा, एम, सो एम, उसके बाद आ जाएगा आई, फिर आएगा नॉट और फिर आएगी क्रिया की पहली इकाई जिसके पीछे लगा होगा आई एन जी एक सफिक्स की तरह, और अंतिम में सेंटेंस जो आपका बचा हुआ है यानी कि बचा हुआ वाक्य। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, क्या वह खाना नहीं खा रहा है, इज ही नॉट ईटिंग फूड, क्या हम खाना नहीं खा रहे हैं, आर वी नॉट ईटिंग फूड, क्या मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, एम आई नॉट ईटिंग फूड। अब दोस्तों आप सोचोगे कि मैंने ये वाली एग्जाम्पल्स तो बता दी, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आप लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे। तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में क्या था, सिंपल सा रूल था, जैसा हमने पहले देखा है सिंपल टेंस जब हम कर रहे थे तो नॉट और उसके हेल्पिंग वर्ब को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा हुआ था, तो यहाँ पे भी हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा। मैं आपको जस्ट एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, इजंट ही ईटिंग फूड, ये ऐसे आ जाएगा, इजंट ही ईटिंग फूड, आंट वी ईटिंग फूड, क्या हम खाना नहीं खा रहे हैं, क्या मैं खाना खाना नहीं खा रहा हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों एम और नॉट को हमने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना होता है, तो उसको बोलते हैं एंट, ए आई एन अपोस्ट्रोफी टी, ये आप सामने लिखा हुआ देख पा रहे होंगे कि इसको किस तरीके से लिखा जाता है, तो एंट आई ईटिंग फूड, ये ऐसे बन जाएगा। सो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस था वो यहाँ पे समाप्त होता है। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस होता है जो हमारे बोलने से पहले खत्म हुआ हो, यानी कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा कार्य जो पहले हो रहा था और हमारे बोलने से पहले ही, जस्ट पहले ही खत्म हुआ है। अब वो रीसेंट पास्ट में भी हो सकता है, मेरा मतलब ये है कि जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं आपसे कहूँ कि मैंने अभी अभी पानी पिया है या फिर मैं अभी पानी पी चुका हूँ, तो ये क्या हो गया, ये रीसेंट पास्ट हो गया, जो मैंने अभी अभी काम किया है, तो लेकिन वो काम मेरे बोलने से पहले ख़त्म हो चुका है, पूरा हो चुका है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान कुछ इस तरीके से है जो आप देख रहे हैं, चुके हैं, चुकी है, कोई कार्य कर चुका हूँ या कोई कार्य कर चुकी हूँ, और इसके अलावा ये भी आता है कि कोई कार्य कर लिया है, जैसे मैंने अभी बोला था कि मैंने पानी पी लिया है, तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है।
दोस्तों इसके पॉजिटिव सेंटेंस में कैसे हम यूज करेंगे अपने रूल्स को, तो जल्दी से देखिए। सिंगुलर यानी कि जब भी कभी आएगा ही शी इट वन नेम यानी कि कोई भी एक नाम, अगर इन सब में से कोई एक आता है सेंटेंस में तो आप यूज करेंगे हैज, एच ए एस हैज। और अकेला परफेक्ट टेंस ऐसा होता है जो हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि क्रिया की तीसरी इकाई को अपने साथ लेकर चलता है। दोस्तों पूरे के पूरे टेंसेस में अकेला परफेक्ट टेंस जब भी कभी आए, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट हो, जब अकेला परफेक्ट होगा, ध्यान से सुनिएगा, जब अकेला परफेक्ट टेंस होगा तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि क्रिया की तीसरी इकाई को अपने साथ लेकर चलता है। उसके बाद आ जाएगा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी कि आपके वाक्य का बचा हुआ हिस्सा। प्लूरल में यानी कि जब बहुवचन हो, अनेक हो जाएं, तो यू वी दे दो या दो से ज्यादा नाम यानी कि इनमें से कोई एक आएगा और उसके साथ आप लगाएंगे हैव, एच ए वी ई हैव, और उसके साथ ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि क्रिया की तीसरी इकाई और आपके सेंटेंस का बचा हुआ हिस्सा। और अगर यहाँ पे आ जाए मैं यानी कि आई, तो आई के साथ भी आता है हैव, जैसे प्लूरल के साथ हैव आता है तो आई के साथ भी यहाँ पर हैव आता है, ये रूल है। और उसके बाद आ जाएगी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब नीचे आप एग्जांपल्स देख चुके हैं, मैंने दोनों तरीके से एग्जांपल्स को लिखा है कि किस तरीके से आप इसको समझ पाएंगे। राम ने खाना खा लिया है, राम ने खाना खा लिया है यानी कि मेरे बोलने से पहले ये चीज हो चुकी है, इसीलिए मैंने साथ में लिखा है कि राम ने खाना खा लिया है और राम खाना खा चुका है, ये मैंने साथ में लिखा हुआ है। हमने खाना खा लिया है या हम खाना खा चुके हैं, मैंने खाना खा लिया है या फिर मैं खाना खा चुका हूं, ये इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं, राम हैज ईटन फूड, राम ने खाना खा लिया है या राम खाना खा चुका है, राम हैज ईटन फूड। हमने खाना खा लिया है या हम खाना खा चुके हैं, वी हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटन फूड। तो दोस्तों आप एग्जाम्पल से बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि हम इसको किस तरह से इंटरचेंज करके लिख सकते हैं और किस तरीके से हम इसको बोले गए को या लिखे हुए को पहचान सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है। अब दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस जब भी आएगा तो क्या रूल अप्लाई होता है। सिंगुलर के अंदर ही शी इट या कोई भी एक नाम, इन सब में से कोई एक आएगा आपके वाक्य के अंदर और आपने लिखना होगा हैज नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव है और हैज इसका हेल्पिंग वर्ब है, नेगेटिव की वजह से यहाँ पे नॉट आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हैज नॉट फॉलोड बाय थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि इसके साथ क्रिया की तीसरी इकाई लगेगी और बाद में आ जाएगा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी कि आपके वाक्य का बचा हुआ हिस्सा। उसके बाद आ गया प्लूरल यानी कि जब अनेक हो जाएं, सब्जेक्ट काफी सारे हों, यू वी दे दो या दो से ज्यादा नाम, तो आ जाएगा हैव नॉट और इसके साथ भी आ जाएगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि क्रिया की तीसरी इकाई और साथ ही साथ सेंटेंस का बचा हुआ हिस्सा यानी कि ऑब्जेक्ट या फिर उसके अंदर आर्टिकल हो सकता है ऑब्जेक्ट के साथ या फिर उसके अंदर प्रेपोजिशन हो सकती है ऑब्जेक्ट के साथ। और अंतिम में मैं यानी कि आई, इसके साथ क्या लगेगा, आई हैव नॉट फॉलोड बाय थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। नीचे से जल्दी से एग्जांपल्स देखेंगे हम, राम ने खाना नहीं खाया है, राम हैज नॉट ईटन फूड, तुमने खाना नहीं खाया है या फिर हमने खाना नहीं खाया है, वी हैव नॉट ईटन फूड, अगर मैं कहूं तुमने खाना नहीं खाया है तो हम लिखेंगे यू हैव नॉट ईटन फूड, मैंने खाना नहीं खाया है तो हम लिखेंगे आई हैव नॉट ईटन फूड। तो दोस्तों इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस भी यहाँ पे खत्म होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी के प्रश्नवाचक, अभी हमने कौन से किए, नकारात्मक, और अब हम करेंगे प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या होता है, यस, सबसे पहले क्या होता है, हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज था और हैव था, तो सिंगुलर में क्या था, हैज जो कि सबसे पहले आ गया, उसके बाद सिंगुलर में से कोई भी एक सब्जेक्ट आएगा इनमें से, चाहे वो ही आ जाए, चाहे वो शी आ जाए, चाहे वो इट आ जाए, चाहे वो कोई एक नाम आ जाए, उसके साथ ही क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और बाकी का बचा हुआ हिस्सा आपके वाक्य का।
प्लूरल में भी हैव पहले आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा यू या फिर वी या फिर दे या फिर दो या दो से ज्यादा नाम, और उनके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी और एंड में आ जाएगा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। वैसे ही मैं यानी कि आई से पहले आ जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में, यानी कि प्रश्नवाचक में हैव पहले आ जाएगा और मैं यानी कि आई बाद में आएगा, और उसके बाद आ जाएगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और बाकी का बचा हुआ हिस्सा आपके वाक्य का। क्या राम ने खाना खाया है? हैज राम ईटन फूड? क्या तुमने खाना खाया है? हैव यू ईटन फूड? क्या मैंने खाना खाया है? हैव आई ईटन फूड? तो ये एग्जाम्पल्स थी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। अब दोस्तों जल्दी से चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, जिसका नाम है नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी के नकारात्मक भी होंगे और ये प्रश्नवाचक भी होंगे। अब जब भी दोस्तों सिंगुलर आएगा तो हम इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में अब यहाँ पर लिख रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, जब हम पहले कर रहे थे कॉन्टिन्यूस तो मैंने ट्रेडिशनल फॉर्म लिखी थी, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको अपडेटेड वर्जन में, यानी कि यहां पे मैंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज की है हैजंट। हैजंट किसके साथ आएगा? क्योंकि हैज सिंगुलर का हेल्पिंग वर्ब था तो ये सिंगुलर वाले में सबसे पहले आ गया, और नेगेटिव है तो ये हैजंट बन गया। हैजंट और किसके साथ आता है? ये ही या फिर शी के साथ या फिर इट के साथ या फिर कोई भी एक नाम के साथ। और कौन सी वर्ब आती है यहां पे, कौन सी क्रिया आती है? तीसरी इकाई यानी के थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके साथ ही लग जाएगी सेंटेंस का बाकी बचा हुआ हिस्सा। प्लूरल में हैव आता है और नेगेटिव है तो नॉट आएगा, तो हम यहां पे लिखेंगे हैवंट। दोस्तों याद रखिएगा कि इसको हम हैव नॉट नहीं लिख सकते इकट्ठा, वो इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि रूल जो इसका लॉ है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस का, वो इसी तरीके से बनाया गया है। तो यहां पर haven't आ गया, उसके बाद आ गया you, we, they, दो या दो से ज्यादा नाम, इन सब में से कोई भी एक आएगा तो आपने रूल को इसी तरीके से अप्लाई करना है, उसके बाद आ जाएगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड अंतिम में आपका सेंटेंस यानी कि वाक्य का बचा हुआ हिस्सा। अब मैं यानी कि आई के साथ haven't, उसके बाद लगेगा आई यानी कि मैं, फिर आ जाएगी क्रिया की तीसरी इकाई और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी कि वाक्य का बचा हुआ हिस्सा। अब यहाँ पे मैंने आपके लिए एक नोट लिखा हुआ है स्पेशली, क्योंकि मैंने जो रूल लिखा है यहाँ पे ये थोड़ा अपडेटेड वाला लिखा था, ट्रेडिशनल मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि जो हैज और हैव है, दे आर प्लेस्ड बिफोर सब्जेक्ट, नॉट कैन बी प्लेस्ड आफ्टर द सब्जेक्ट, यानी कि जो ट्रेडिशनल तरीका है उसका ये रूल है कि नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद लिखा जा सकता है। जैसे आप एग्जाम्पल में भी देख पाएंगे, क्या राम ने अपना काम नहीं किया है? Hasn't Ram done his work? और या फिर has Ram not done his work? तो यहाँ पे मैंने दोनों ही तरीकों से आपके बोल के सुना दिया है। क्या हमने अपना काम नहीं किया है? क्या हमने अपना काम नहीं किया है? Haven't we done our work? या फिर have we not done our work? क्या मैंने अपना काम नहीं किया है? Haven't I done my work? या फिर have I not done my work? तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब उसके बाद हम जल्दी से बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। दोस्तों इस टेंस के अंदर कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं और कुछ चीज़ें यहाँ पे अलग आ जाती हैं, तो इसको बड़े ध्यान से आप समझेंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये टेंस इसका यूसेज क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो दोस्तों इस टेंस को यूज तब किया जाता है जब हमने ये दिखाना हो कि कोई चीज पिछले समय में हो रही थी यानी कि बहुत पहले हो रही थी, अब नहीं हो रही है। अगर हम ऐसा कह देते हैं कि अब नहीं हो रही है तो ये पास्ट में चला जाएगा, लेकिन अगर वही चीज आज भी हो रही है यानी कि अगर मैं कहूं कि मैं पिछले 2 घंटों से बोल रहा हूं, अगर मैं 2 घंटे पहले बोल रहा था तो ये क्या बन जाएगा, ये पास्ट में चल जाएगा क्योंकि इसके पीछे था लग गया है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं पिछले 2 घंटे से बोल रहा हूं या पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा हूं तो ये क्या बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी कि कोई चीज पहले स्टार्ट हुई और जब उसके बारे में बात की जा रही है वो उस समय भी हो रही है। द एक्टिविटी विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल गोइंग ऑन, यानी कि ये पास्ट में तो स्टार्ट हुई थी लेकिन अभी भी चली रही है। अब इस काल में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें इस टेंस के अंदर
फॉर और सिंस का यूज किया जाता है हिंदी के शब्द से के लिए। जैसे हम लिखेंगे ना, दो घंटे से या दो दिन से या पाँच बजे से या दस बजे से या सुबह से, अगर हम ये चीज़ लिखेंगे तो से यानी कि जिसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम की जगह आएगा फॉर या फिर सिंस। अब दोस्तों फॉर और सिंस को यूज़ करने का एक रूल है, इसको यूज़ करने का एक रूल है। ये क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे कि जो फॉर है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है दोस्तों। पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि हमें सिर्फ इतना पता है कि इतना समय लगा है किसी चीज़ को करने के लिए, लेकिन ये नहीं पता कि जितना समय लगा है वो कब से गिना जा रहा है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि आधा घंटे से कोई चीज़ हो रही है तो ये कौन से वाले आधे घंटे और कितने समय पहले ये आधे घंटे कौन से टाइम पे स्टार्ट हुए थे, मतलब 6 बजे स्टार्ट हुए थे, 6:30 बजे स्टार्ट हुए थे या 7 बजे स्टार्ट हुए थे। समझ गए आप, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब ये होता है। तो पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आता है 2 घंटे से, 4 घंटे से, 5 घंटों से, 10 घंटों से, 2 दिनों से, 4 दिनों से, 5 दिनों से, 2 महीनों से, 10 महीनों से, 12 महीनों से, 1 साल से, 10 साल से, 20 साल से, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी आती है तो ये सारे के सारे क्या बता रहे हैं हमें, पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि समय की इकाई को नहीं बता रहे हैं, ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि समय की गणना जो है वो कितनी है, ये नहीं बता रहे हैं कि वो इकाई कहाँ से स्टार्ट की जाए। अब दोस्तों दूसरे के अंदर क्या आता है, सिंस। सिंस के अंदर हमें समय की इकाई जहां से शुरू हो रही है वो बताया जाता है, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात की जा रही है। समय की इकाई कहां से स्टार्ट हो रहा है, वो 9 बजे से ये काम हो रहा है, 2 बजे से हो रहा है, 12 बजे से हो रहा है, 5 बजे से हो रहा है, 6 बजे से हो रहा है, वो ये चीज बताई जाती है। और अगर इसके अंदर आ जाए कि आज सुबह से ये चीज़ हो रही है, अब आज सुबह की बात तो ये है, ये कल वाली सुबह के बारे में बात नहीं कर रहा है, परसों या नरसों वाली सुबह की बात नहीं कर रहा है, तो आज सुबह से अगर बोला जाता है तो हम सिंस को यूज़ करते हैं क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहा है। वैसे ही अगर हम कहें कि 2 महीने पहले से, अब 2 महीने पहले कौन सा महीना था, हम उस महीने से अगर लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर लिखा है जनवरी से, तो ये क्या हो गया, ये सिंस हो गया। यहाँ पे सिंस यूज होगा, क्यों यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है। अगर हम सन के देखें, यहाँ पे लिखा है मैंने 2018 से, अगर हम कहें 2020 से, 2030 से, 2021 से, 2022 से, 2015 से, 2010 से, 1999 से, ये सारे के सारे किस में आएंगे, सिंस यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम में। हमें समय की इकाई दी गई है कि कोई चीज़ कब स्टार्ट हुई है। तो दोस्तों पॉजिटिव सेंटेंस जब भी कभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा तो इसका जो अंतिम छोर है, जब हिंदी में बोला जाएगा इसके एंड में तो कंटिन्यूअस वाला ही सीन रहेगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ या रही हूँ, ये चीज़ें आएंगी। लेकिन एक और खास बात होगी कि इसके सेंटेंस के अंदर हमेशा समय का संकलन दिया गया होगा, यानी कि समय के बारे में, टाइम के बारे में बात दी गई होगी कि कौन से समय से ये चीज़ हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे सिंगुलर यानी कि ही, शी, इट या कोई भी एक नाम अगर आ जाता है तो हम लगाते हैं हैज़ बीन, उसके बाद आती है वर्ब की पहली इकाई जिसके पीछे लगता है ing, और फिर आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आता है फॉर या फिर सिंस, और फिर बाद में आता है टाइम रेफरेंस, यानी कि जो चीज़ बताई गई है वहाँ पे टाइम जो दिया गया है, 2 दिन से है, 4 दिन से है, जनवरी से है, फरवरी से है या कौन से साल से है, वो हम लिखते हैं यहाँ पे। आप एग्जांपल नीचे देखकर सॉल्व करेंगे आपको पता चल जाएगा। प्लूरल के अंदर या फिर जब कभी आई यानी कि मैं आ जाए तो रूल सेम अप्लाई होता है, यू, वी, दे, दो नाम या दो से ज़्यादा नाम या फिर आई यानी कि मैं, इनमें से कोई भी अगर वाक्य में आता है तो उसके साथ क्या लगेगा, हैव बीन उसके साथ लगेगा, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ यानी कि क्रिया की पहली इकाई के साथ ing लग जाएगा, उसके साथ ही आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद आएगा फॉर या फिर सिंस अकॉर्डिंग टू द टेंस, वहां पे क्या आ जाएगा, फॉर या फिर सिंस आ जाएगा, और टाइम रेफरेंस एंड में आ जाएगी। अब दोस्तों जल्दी से इसकी एग्जाम्पल आप देखिए, पहली एग्जाम्पल में मैंने लिखा है राम 2 घंटे से या 2 घंटों से पढ़ रहा है, राम हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, राम हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, वे आज सुबह से ही लोगों के साथ लड़ रहे हैं, दे हैव बीन फाइटिंग विद पीपल दिस
मॉर्निंग, सिंस दिस मॉर्निंग, यानी कि आज सुबह की बात हो रही है, हमें यहाँ पे समय की इकाई का पता चल गया है। मैं 2010 से इसी स्कूल में पढ़ रहा हूँ, मैं 2010 से इसी स्कूल में पढ़ रहा हूँ, यानी कि हमें समय की इकाई यहाँ पे मिल गई है। और इसको ट्रांसलेट करेंगे, आई हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2010। सो दोस्तों, ये थे पॉजिटिव सेंटेंस। जल्दी से बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। नेगेटिव के अंदर क्या होगा, नॉट आ जाएगा हमारे हेल्पिंग वर्ब के साथ। अब दोस्तों, हमारा इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब था वो था हैज बीन या हैव बीन। तो यहाँ पे जब नेगेटिव आ जाएगा यानी कि नॉट जब आएगा, तो वो हैज और बीन, हैव और बीन, इनके बिल्कुल बीच में आएगा नॉट। सिंगुलर में आप रूल में देख पाओगे ही शी इट या कोई भी एक नाम जब आता है, इनमें से कोई भी आ जाए सेंटेंस में, तो आप लिखोगे हैज नॉट बीन। और वर्ब की पहली इकाई यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके पीछे क्या लगेगा, आईएनजी, और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा फॉर या फिर सिंस, और फिर आ जाएगा टाइम रेफरेंस यानी कि समय के बारे में हम वहां पे बात करेंगे। वैसे ही दोस्तों, प्लूरल या फिर आई यानी कि मैं, यू, वी, दे, दो नाम या दो से ज्यादा नाम, या फिर मैं, इनमें से कोई भी आ जाए अगर सेंटेंस में, तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में इनको, और फिर करेंगे हैव नॉट बीन, क्योंकि नेगेटिव है तो हम लिखेंगे हैव नॉट बीन। और ये इसके साथ क्या आएगी, वर्ब की पहली इकाई जो कि आई एन जी के साथ होगी, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर फॉर या फिर सिंस में से कोई एक, और फिर टाइम रेफरेंस। अब इसकी एग्जाम्पल आप नीचे देखिए, राम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, राम हैज नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। वे आज सुबह से ही लोगों के साथ नहीं लड़ रहे हैं, दे हैव नॉट बीन फाइटिंग विद पीपल सिंस दिस मॉर्निंग। मैं 2010 से इसी स्कूल में नहीं पढ़ रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2010। So, दोस्तों, ये थे नेगेटिव के एग्जांपल्स। अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जब भी कभी कुछ आता है तो सबसे पहले इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। हाँ, तो प्रश्नवाचक सेंटेंसेस में क्या होगा, हैज यानी कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आ जाएगा। तो सिंगुलर का क्या सा, हैज। अब यहाँ पे जो बीन है वो सब्जेक्ट के बाद रहेगा और जो हैज है वो सब्जेक्ट से पहले रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हैज आ जाएगा, हैज के बाद आपका सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट इनमें से कोई भी हो सकता है, वो ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, कोई भी एक नाम हो सकता है, और उसके साथ आ जाएगा बीन, और इसके साथ ही लगेगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसके साथ लगा होगा आईएनजी और ऑब्जेक्ट, फिर आएगा फॉर या फिर सिंस या फिर टाइम रेफरेंस उसके बाद में। और प्लूरल या फिर आई के केस में क्या होगा, हैव पहले आ जाएगा यानी कि एच ए वी ई, हैव, उसके बाद इन सब में से कोई भी एक सब्जेक्ट होगा, या तो वो यू होगा या वी होगा या दे होगा, दो या दो से ज़्यादा नाम होंगे, या फिर वो मैं यानी कि आई होगा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। उसके बाद आ जाएगा बीन, फिर आएगी क्रिया की पहली इकाई जिसके पीछे ing लगा होगा, ऑब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद फॉर या फिर सिंस, और एंड में टाइम रेफरेंस यानी कि समय के बारे में लिखा होगा। अब दोस्तों, हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, क्या राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, हैज राम बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। क्या वे आज सुबह से ही लोगों से लड़ रहे हैं या लोगों के साथ लड़ रहे हैं, हैव दे बीन फाइटिंग विद पीपल सिंस दिस मॉर्निंग। क्या वो सुबह से ही लड़ रहे हैं। क्या मैं 2010 से इसी स्कूल में पढ़ रहा हूँ, हैव आई बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2010। तो दोस्तों, आप इन एग्जाम्पल से समझ पाएंगे कि टेंस को किस तरीके से हमने करना है। अब इसकी लास्ट टाइप है नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की लास्ट टाइप है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जब मिल जाते हैं यानी कि नकारात्मक भी है और प्रश्नवाचक भी है, तो सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ दोस्तों हैज़ पहले आ जाएगा। ये अगर ट्रेडिशनल मेथड से अगर हम इसको देखें, हैज़ पहले आ जाएगा, उसके बाद आ जाएंगे इसके सब्जेक्ट्स यानी कि ही या फिर शी या फिर इट या फिर कोई भी एक नाम, और उसके बाद लगेगा नॉट बीन, हैज सब्जेक्ट नॉट बीन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉलोड बाय आई एन जी, उसके बाद लग जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा फॉर या फिर सिंस और टाइम रेफरेंस। वैसा ही दोस्तों प्लूरल में होगा, यहाँ पे भी जो सिंगुलर में हैज था यहाँ पे प्लूरल में और आई में यानी कि मैं में
कौन सा वाला आएगा हेल्पिंग वर्ब? हैव। तो हैव मैंने पहले लिख दिया और उसके बाद हमारे सब्जेक्ट आ गए, फिर आएगा नॉट बीन, फिर आएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉलोड बाय आईएनजी, ऑब्जेक्ट फॉर या फिर सिंस में से कोई एक आएगा और आएगी टाइम रेफरेंस एंड में। तो इसकी एग्जाम्पल, क्या राम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है? हैज राम नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स? क्या वे आज सुबह से ही लोगों के साथ नहीं लड़ रहे हैं? हैव दे नॉट बीन फाइटिंग विद पीपल सिंस दिस मॉर्निंग? क्या मैं 2010 से इसी स्कूल में नहीं पढ़ रहा हूँ? हैव आई नॉट बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2010? सो दोस्तों, ये थी एग्जाम्पल्स प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा प्रेजेंट टेंस यानी के जो वर्तमान काल है वो यहाँ पर पूरा होता है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आप इस पूरे के पूरे लेक्चर की जो PDF फाइल है और जो एग्जाम्पल्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने PDF का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप क्लिक कीजिए और इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं और एक बेहतर प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपकी जो पकड़ है वो टेंसेज के ऊपर और स्पेसिफिकली इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर बहुत अच्छी बन जाए। सो दिस इज़ दीपक वर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।